साथियों, अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं और कुछ घरेलू उपचार ढूंढ रहे हैं तो आइए जानते हैं आज कुछ घरेलू उपचार के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे सेंधा नमक। आप लेंगे 1 या 1.5 चम्मच सेंधा नमक और इसमें मिलाएंगे 6 से 8 बूंद सरसों के तेल की। ये एक पेस्ट तैयार हो गया और इस पेस्ट से अपनी उंगली की मदद से आपको दांतों और मसूड़ों में धीरे धीरे मसाज करनी है। आपको कुल्ला नहीं करना, यानी कि जब आप मसाज करेंगे तो मुंह में ये चीज़ थोड़ी देर तक रखे रहेंगे, तुरंत पानी से नहीं धोना है। 2 मिनट या 4 मिनट के बाद में आप फिर पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ऐसा करने से दांत दर्द से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है लौंग। यदि रात्रि में कभी आपको दांत में दर्द हो जाए तो आप जिस दांत में दर्द है उस दांत के अंदर एक लौंग को दबाकर सो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं आप अदरक के साथ में भी। यदि आपके पास में अदरक है, अदरक का टुकड़ा लें, इसका छिलका उतार दें। अब छोटा सा वो पीस अदरक का जिस दांत में दर्द है उस दांत के भीतर रखें, दबाकर रखें, चबाना नहीं है, और उस धीरे से उस दांत के अंदर रखकर सो जाएं। सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे आपका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। इसके अलावा एक उपाय आप कर सकते हैं फिटकरी के साथ। साथियों, हमें फिटकरी लेनी है। इसमें अब हम तवे पे या कढ़ाई पे फिटकरी को पहले भूनेंगे। जब भुन जाएगा तो अब थोड़ा सा पीस के, इसका महीन चूर्ण हमने बना लिया पीस कर, अब हम इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाएंगे। इसका भी हमें मसाज करनी है दांतों पे और मसूड़ों पे। ध्यान रहे कि कुल्ला नहीं करना है, धीरे धीरे हम उंगलियों की मदद से मसाज करेंगे और ये इतना बेनिफिशियल है कि दांत का दर्द तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ में आपके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चमकीले भी हो जाएंगे। साथियों, एक और बहुत सरल सा उपाय है, ये उपाय है अमरूद की पत्तियों के साथ में। कभी भी आप दांत दर्द से पीड़ित हों और आपको सहज सुविधाजनक हो कि आप अमरूद की पत्तियां ताजी कहीं से ला सकें तो आप वो पत्तियों को ले आएं और इसका हमें काढ़ा तैयार करना है। यानी आप एक भगोने में पानी रखेंगे और इसमें अमरूद की पत्तियों को पहले धो लेंगे, उसके बाद में इस भगोने के अंदर पानी में मिला के इसका धीमी आंच में धीरे धीरे काढ़ा तैयार करेंगे। यानी कि धीमी आंच में हमें इसे पकाना है। 15 से 20 मिनट जब ये पक जाएगा, यानी पानी आधा रह जाएगा, तब हम इस पानी को छान लें और इस पानी में हम सेंधा नमक को मिलाएं और इस पानी से हमें दिन में 3-4 बार गरारा करना है और आप देखेंगे कि आपका जो दांत का दर्द है वो छुमंतर हो जाएगा।